वेलकम टू आवर चैनल, मैं सबकी सहेली। आज हम बात करेंगे डेट से पहले, बिल्कुल पहले जो लक्षण दिखने शुरू होते हैं बॉडी में कि आप प्रेग्नेंट हो। इस लक्षण से आप पहचान सकते हो कि हाँ, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ये लक्षण जो है शुरुआती दिनों में, चंद ही दिनों में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये लक्षण पहले महसूस नहीं किए हैं और आपको लग रहा है कि ये सारे लक्षण नए हैं, आपके बॉडी में उभर उभर कर दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। जिसमें कि सबसे पहला लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाता है, पेट टाइट हो जाती है आपकी, यानी पेट का जो है वो कड़कपन आना, पेट में कड़कपन आना। पहले जो है आपका पेट मुलायम रहा करता था, सॉफ्ट रहा करता था, अब आपको हार्डनेस फील होने लगेगा। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम। जैसे ही इम्प्लांटेशन ख़त्म हो जाता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, वैसे ही आपको अनुभव होगा कि आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। ये तीनों अचानक से बहुत ज़्यादा आप में शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स, तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो ये भी जो है महिलाओं में अधिकतर देखा गया है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद की गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा सताने लगती है। जो हमारा अगला सिम्टम्स है वो भी बहुत जल्द हमारे बॉडी में आ जाता है, और वो सिम्टम्स है ये है कि सारी महिलाओं को भूख नहीं लगती है। जैसे ही अर्ली प्रेगनेंसी अगर होती है, उनके शुरुआती दिनों में उनको भूख बहुत कम लगती है, बहुत सारी महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। तो भूख ना लगना ये हो सकता है चिंता की वजह से भी हो सकता है, या फिर हार्मोन्स का उतार चढ़ाव भी ये एज अ रिज़ल्ट उनमें हो सकता है कि उनको भूख नहीं लग रही है। तो वहीं कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है। और ऐसा होता है कि कुछ ना खाए बिना भी उनके पेट में भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ खा लिया है, अब उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, खाने से उनका मन भाग रहा है। ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं अचानक से, किसी एक खाने से उनका अचानक से मन उठ जाना, किसी एक खाने से उनको वॉमिट हो जाना। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को कुछ ऐसे खाने हैं, जैसे कि लहसुन अगर हम बात करें, अनार की जूस की बात करें, या फिर रसोई में कुछ ऐसा खाना बन रहा हो जिससे कि उनको महक से भी उनको नफ़रत होने लगती है, साथ ही उस खाने से भी नफ़रत होती है। जैसे ही वो एक दो निवाल लाल लेती हैं अपने मुँह में, उनको वॉमिट हो जाती है। तो ये अचानक से जो है प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, खासकर शुरुआती दिनों में ये सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। बाद पैरों में भारीपन महसूस होना, मतलब कि उनको चलने में प्रॉब्लम होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना, हर वक्त आलसीपना होना, लेटे रहना, सोए रहना, ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत देखने को मिलते हैं। शुरुआती दिनों में जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, उनमें ये वीकनेस की प्रॉब्लम या फिर लेजीनेस की प्रॉब्लम, फैटिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनको होने लगती है। सुबह उठने के साथ ही उनका जी मिचलाने लगता है, उनको चक्कर जैसा आने लगता है, उनको हो सकता है कि बहुत पसीना आने लगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई उनको महसूस हो, डरी हुई नहीं, इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रही हैं, कॉन्शियस फील कर रही हैं सुबह सुबह। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान देखने को अधिकतर महिलाओं में मिले हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि ये चेंजेस अचानक से आपको 4 से 5 दिनों में देखने को मिल रहे हैं, या फिर 10 दिनों में देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंट हो चुकी हैं। अब मैं बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी आप कैसे चेक करोगे। तो प्रेगनेंसी आपको अपने डेट मिस होने के 10 से 15 दिन तक वेट करना होता है, फिर आप किट से चेक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।